हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिकेट बायो। वैसे आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है हाउ टू ग्रिप अ बॉल फॉर फास्ट बॉलिंग। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारे आज के वीडियो का। जितने भी फास्ट बॉलर ये वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इन स्विंग, आउट स्विंग, लेग कटर, ऑफ कटर और स्लोअर बॉल, इन सारे डिलीवरीज की मैं आपको ग्रिप बताने वाला हूँ। क्योंकि अगर आप एक फास्ट बॉलर हो तो आपको इन सारे फास्ट बॉलिंग डिलीवरीज की आपको ग्रिप पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर आपको ग्रिप की प्रॉपर नॉलेज नहीं है तो ना ही आप कभी फास्ट बॉलर बन पाओगे और ना ही आपको कभी रिजल्ट मिलेगा। और एक बात का ध्यान रखना, अगर आपका बॉल को पकड़ने का तरीका ही गलत है तो ना ही आपको कभी स्विंग मिलने वाली है और पेस का तो आप भूल ही जाओ। तो आप देख सकते हो ग्रिप कितनी इंपॉर्टेंट है फास्ट बॉलिंग में। इसीलिए आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो फिर चलिए हम इस वीडियो को बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बेसिक फास्ट बॉलिंग ग्रिप की। अगर आप एक फास्ट बॉलर हो तो आपको कुछ इस तरीके से बॉल को पकड़ना चाहिए। सबसे पहले आपकी ये इंडेक्स फिंगर और ये जो मिडिल फिंगर है ये बॉल के ऊपर होगी। और कहाँ पे होगी? ये जो आप बॉल की दोनों लास्ट सिम देख रहे हो इसके ऊपर आपकी ये दोनों फिंगर्स होगी। और ये जो आपका थम है ये ठीक बॉल के नीचे होगा, यहाँ पे बिल्कुल ऐसे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज का आपको ध्यान रखना है बॉल को ग्रिप करते समय, कि आपके ये बॉल आपके पाम से कांटेक्ट में नहीं आनी चाहिए। आप लिटिल फिंगर और ये रिंग फिंगर का यूज कर सकते हो सपोर्ट के लिए, पर आपके पाम से ये बॉल कांटेक्ट में नहीं आनी चाहिए। इन बॉल और पाम के बीच में एक फिंगर का तो गैप होना ही चाहिए। और आपको बॉल को ज्यादा लूज भी नहीं पकड़ना है। अगर आपने बॉल को ज्यादा लूज पकड़ा तो आपका बॉल पे कंट्रोल चला जाएगा। और गलती से भी अगर आपने बॉल को ज्यादा टाइट पकड़ा तो आपको ना ही तो पेस मिलेगा और ना ही आपकी बॉल स्विंग होगी। तो ध्यान रखो बॉल को ग्रिप करते समय ज्यादा लूज भी मत पकड़ो, ज्यादा टाइट भी मत पकड़ो। तो अब हम बात कर लेते हैं इनस्विंग के बारे में। अगर आपको इनस्विंग डालनी है तो आपको बॉल को कैसे ग्रिप करना चाहिए ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जो हमारी बेसिक फास्ट बॉलिंग ग्रिप होती है सेम वैसे ही हम बॉल को ग्रिप करेंगे, पर इस ग्रिप में हम थोड़ा सा चेंजेस करेंगे क्योंकि हमें अभी इनस्विंग डालनी है। तो वो चेंजेस क्या करना है आप ध्यान से देखना। चेंजेस ज़्यादा कुछ नहीं है, एकदम हल्का सा चेंजेस है कि आपको बॉल की सीम को अंदर की तरफ रखना है, बिल्कुल ऐसे। ध्यान से देखना, मैंने बॉल की सीम को चेंज कर दिया है, बॉल के सीम के एंगल को चेंज कर दिया है। डायरेक्शन देख लो, अभी अंदर की तरफ है सीम की। आपको फिंगर्स को नहीं हिलाना है, खाली सीम को चेंज करना है, सीम की डायरेक्शन को चेंज करना है। अब जिस डायरेक्शन में बॉल की सीम रहेगी बॉल उस तरफ स्विंग होगी। अब ऐसा क्यों होता है, इसमें मैंने पहले से ही डिटेल में एक प्रॉपर वीडियो बना चुका हूँ, आई बटन पे उसका लिंक है, आप वो वीडियो जाके देख सकते हो। और एक बात का ध्यान रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनस्विंग डालते वक्त आपकी ये जो रिस्क है एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। अगर ये थोड़ी भी ऐसी या फिर ऐसी रही रिलीज करते समय तो आपको कभी भी स्विंग नहीं मिलेगी। अपने रिस्क को लॉक रखो, एकदम रिलैक्स रखो। और ये ग्रिप मैं सिर्फ नए बॉल के लिए बता रहा हूँ। तो अब हम बात कर लेते हैं आउटस्विंग के बारे में। अगर आपको आउटस्विंग डालनी है तो आपको बॉल को कैसे ग्रिप करना चाहिए ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये है हमारी बेसिक फास्ट बॉलिंग ग्रिप। अब मैंने इनस्विंग डालते वक्त क्या किया था, मैंने इनस्विंग डालते वक्त बॉल की सीम को अंदर की तरफ रखा था, बिल्कुल ऐसे। अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे आउटस्विंग डालनी है तो मैं बॉल की सीम को बाहर की तरफ रखूंगा। जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, जिस डायरेक्शन में आपकी बॉल की सीम रहेगी आपकी बॉल उस डायरेक्शन में स्विंग करेगी। अब इसमें भी आपकी रिस्क एकदम स्ट्रेट रहनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे। क्योंकि जितना अच्छे से आपके हाथों से बॉल रिलीज होगी आपको उतनी ही ज़्यादा स्विंग मिलेगी। और अगर हवा ने भी आपका साथ दिया बॉलिंग करते वक्त तो आपकी बॉल और ज़्यादा स्विंग करेगी, बड़े से भी बड़ा बैट्समैन आपकी बॉल नहीं खेल पाएगा। और एक बार मैं आपको बता दूँ, ये ग्रिप मैं सिर्फ नए बॉल के लिए बता रहा हूँ। तो अब हम बात कर लेते हैं ऑफ कटर के बारे में। अगर आपको ऑफ कटर डालना है तो उसकी ग्रिप कैसी होनी चाहिए ये मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपकी ये जो इंडेक्स फिंगर है ये बॉल के ऊपर होगी, बिल्कुल यहाँ पे। और ये जो आपकी मिडल फिंगर है ये थोड़ा सा वाइड रहेगी, थोड़ा सा आपकी ये जो इंडेक्स फिंगर है उससे थोड़ा वाइड रहेगी। और ये जो आपका थम है ये बॉल के नीचे होगा, बिल्कुल ये यहाँ पे, जैसे नॉर्मली हर ग्रिप में होता है वैसे ही यहाँ पे आपका थम होगा। और ऑफ कटर डालते वक्त हम क्या करते हैं, हम फिंगर्स को रोटेट करते हैं बॉल में रोटेशन जनरेट करने के लिए। जैसे ही बॉल में रोटेशन जनरेट होती है बॉल स्विंग करती है। आपको क्लॉकवाइज फिंगर्स को रोटेट करना है, मतलब इस डायरेक्शन में आपको फिंगर्स को रोटेट करना है। आपकी रिस्क लॉक रहेगी, सिर्फ आपको फिंगर्स को रोटेट करना है। ऑफ कटर थोड़ा ऑफ स्पिन के जैसा ही लगता है, पर ऑफ स्पिन में हम क्या करते हैं, ऑफ स्पिन में हम रिस्क का भी यूज़ करते हैं, पर ऑफ कटर में हम सिर्फ फिंगर्स का यूज़ करते हैं। आपकी रिस्क एकदम लॉक रहती है।
तो अब हम बात कर लेते हैं लेग कटर के बारे में। अगर आपको लेग कटर डालना है तो उसके लिए आपकी ग्रिप कैसी होनी चाहिए ये मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपकी ये जो मिडिल फिंगर है ये बॉल के ऊपर होगी, बिल्कुल यहाँ पे, और ये जो आपकी इंडेक्स फिंगर है ये थोड़ा सा वाइड रहेगी, आपके मिडिल फिंगर से थोड़ा सा दूर रहेगी, जैसे कि आप देख सकते हो। अब ये जो आपका थंब है ये बॉल के नीचे होगा, जैसे बेसिकली हर ग्रिप में होता है वहीं पर आपका ये थंब होना चाहिए और यहीं पर है। अब लेग कटर डालते वक्त हम क्या करते हैं, लेग कटर डालते वक्त हम बॉल को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, मतलब आपको इस डायरेक्शन में आपको बॉल को रोटेट करना है अपने फिंगर्स से, ताकि राइट हैंड बैट्समैन के लिए बॉल बाहर की तरफ जाए। अब इसमें भी ऑफ लेग कटर डालते वक्त आपकी रिस्क लॉक रहनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हम बात कर लेते हैं स्लोअर बॉल के बारे में। अगर आपको स्लोअर बॉल डालनी है तो उसके बहुत ही अलग अलग तरीके की ग्रिप है। कोई बॉलर बैक ऑफ द हैंड बॉल को रिलीज करता है स्लोअर बॉल डालने के लिए, कोई बॉलर रिलीज करते वक्त बॉल को रोटेट करता है स्लोअर बॉल डालने के लिए। तो जैसे कि मैंने बोला था, बहुत ही अलग अलग तरीके की ग्रिप है स्लोअर बॉल डालने के लिए। जो आपको सुटेबल लगे, जो आपको बेस्ट लगे, वो ग्रिप आप यूज करते हो कर सकते हो स्लोअर बॉल डालने के लिए। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर इस वीडियो के रिलेटेड अभी भी कोई डाउट है आपको तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, आपके कमेंट का रिवर्ट करके मैं आपकी हेल्प करूंगा। और मुझे ये भी सजेस्ट करो कमेंट सेक्शन में कि मैं नेक्स्ट वीडियो कौन सी टॉपिक पे बनाऊँ। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी जाके फॉलो करो, ये हमारा यूजर नेम cricketbio1, और हमें यहाँ से सब्सक्राइब भी कर लीजिए क्योंकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग कॉन्टेंट लाते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।